नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे पास है हीरो स्प्लेंडर प्लस। ये जो वर्जन आप देख रहे हैं ये भाई 2023 का वर्जन है जो कि सपोर्ट करता है E20 फ्यूल को। आप देख सकते हैं भाई E20 का लोगो है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों अभी उस समय क्या भाई एक या दो दिन इस बाइक का लॉन्च है और आज की वीडियो में हम आपको इस बाइक का डिटेल रिव्यू देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। Forever, I watch my generation. It's over. तो दोस्तों ये रही हमारे सामने ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस। हम बात करते हैं बाइक के लुक के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों बाइक के लुक में कोई भी चेंज यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर फ्रंट से आपको इस बाइक के लुक ऐसी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दी गई है हैलोजन बल्ब हेडलाइट और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हीरो स्प्लेंडर प्लस का लोगो। बाकी अगर बात करें इंडिकेटर के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे हैलोजन बल्ब इंडिकेटर इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं और ये है इस बाइक की नंबर प्लेट की माउंटिंग। बात करें ब्रेक्स के बारे में तो यहाँ पर आपको फ्रंट और रेयर में मतलब आगे और पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर और आपको फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन। बात करते हैं इस बाइक के साइड प्रोफाइल के बारे में तो कुछ ऐसी हमें इस बाइक की साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में तो दोस्तों इस बाइक में दिया गया है 9 लीटर का फ्यूल टैंक और आपको 1.5 लीटर रिजर्व यहाँ पर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये वाली जो बाइक है वो E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है और E20 फ्यूल में दोस्तों क्या होता है कि जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसके अंदर 20% आपको इथेनॉल मिलता है और ये नॉर्मल पेट्रोल से सस्ता होता है। तो चलिए बात करते हैं कंसोल के बारे में तो कुछ ऐसा हमें स्पीडोमीटर इस बाइक में देखने को मिल जाता है। ये रहा इस बाइक का स्पीडोमीटर और ये रहा इस बाइक का फ्यूल गेज और यहाँ पर दोस्तों आपको इस बाइक के अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला फीचर भी आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी भाई कीज देखो इस बाइक की, कुछ ऐसी हमें इस बाइक की कीज देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर बात करें हैंडल बार के बारे में तो यहाँ पर दिया गया है लोअर हाई बीम का स्विच। यहाँ पर दोस्तों आपको लेफ्ट और राइट इंडिकेटर मिलता है और ये दिया गया है इस बाइक का हॉर्न का स्विच। वहीं अगर बात करें राइट हैंड साइड के हैंडल बार के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों इग्निशन ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भाई किक भी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया चीज है इस बाइक के लिए। बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में तो इस बाइक में दिया गया है 97cc सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन और आपको इस इंजन से 7 PS के आसपास की पावर देखने को मिल जाती है और 7 Nm के आसपास का या आपको इस बाइक के अंदर मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें गियर बॉक्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है और यार सबसे बढ़िया बात मेरे को यहाँ पर इस बाइक में ये लगी कि भाई इस बाइक के जो ब्रेक है ना, ब्रेक में यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन दी हुई है ताकि जो आपका पैर है वो इस पाइप से टच ना हो क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप है और ये काफी हीट अप हो जाती है। तो भाई ये भी इस बाइक के अंदर काफी बढ़िया सेफ्टी फीचर है। बाकी यहाँ पर एक और सेफ्टी फीचर है वो है इस बाइक का लेग गार्ड तो ये भी आपकी सेफ्टी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। बाकी अगर बात करते हैं इस बाइक के साइड प्रोफाइल के बारे में तो यहाँ पर दिया गया है हीरो का लोगो और यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बात करें बाइक की रेयर लुक के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी हमें इस बाइक की रेयर लुक देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको रेयर में देखने को मिलता है हैलोजन बल्ब हेडलाइट, यहाँ पर दी गई है नंबर प्लेट की माउंटिंग और यहाँ पर दोस्तों आपको इस बाइक के इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों रेयर का लुक आपको इस बाइक का कैसा लग रहा है तो ये आपको हमें प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पर आपको फ्रंट और रेयर में अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं और जो फ्रंट और रेयर अलॉय व्हील का डिजाइन है ना वो दोस्तों आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बात करते हैं टायर साइज के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको इस बाइक के रेयर में ना 18 इंच का टायर देखने को मिलता है, जो टायर की विड्थ है वो आपको देखने को मिलते हैं 80mm की। बाकी अगर बात करें रेयर ब्रेक के बारे में तो यहाँ पर रेयर में भी आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं और बात करते हैं रेयर सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बाइक के रेयर में देखने को मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक स्प्रिंग सस्पेंशन। बाकी आपको बाइक कैसी लग रही है भाई ये हमें प्लीज आपको कमेंट करके बताना और आप में से कौन कौन इस बाइक को परचेज करने वाला ना तो ये चीज भाई प्लीज आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट टायर के बारे में तो यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में देखने को मिल जाता है सेम 18 इंच का टायर और जो टायर की विड्थ है वो आपको देखने को मिलती है 80mm की। और यहाँ पर बात करते हैं इस बाइक से मिलने वाली माइलेज की तो यहाँ पर जो माइलेज है वो E20 फ्यूल की वजह से थोड़ी सी ड्रॉप हो चुकी है तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस बाइक से थोड़ी सी कम माइलेज देखने को मिलेगी बट जो फ्यूल आप फील कराओगे E20 वाला वो थोड़ा सा नॉर्मल फ्यूल से सस्ता आता है। और यहाँ पर दोस्तों जो भी हीरो की बाइक सपोर्ट करते हैं E20 फ्यूल उनके जो इंजन है वो काफी इस बार रिफाइन होने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आपका इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका तब रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।